रविवार को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय हाथीबाटा अजमेर में जिला बीएमएस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न विषयों पर चर्चा की गई। दिनांक 23 जुलाई को भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस हर्ष के साथ जिले के सभी तहसील कार्यालयों में मनाया जाएगा। कोरोना के चलते सभी नियमों का पालन करते हुए निम्न प्रोग्राम करने हैं। मीटिंग करिए क्या? भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर की कोविड-19 का पीरियड मार्च से लेकर और अभी जुलाई तक एक भी बैठक आयोजित नहीं करी थी हमने। जो भी बैठक थी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आयोजित की थी, चूँकि भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस का कार्यक्रम 23 जुलाई को आयोजित होने जा रहा है। साथ ही केंद्र का आह्वान है 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक सरकार जगाओ अभियान, जिसके माध्यम से प्रत्येक यूनियन ने अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश महोदय को हम सौंपने का ऐसा हमने कार्यक्रम बनाया। इन सब कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की हैं और आज की बैठक, इसमें हमने मुख्य पदाधिकारियों को बुलाया, बड़ी बैठक नहीं रखी है। मात्र 11 पदाधिकारी ही इस बैठक में आमंत्रित किए थे और इस बैठक के माध्यम से स्थापना दिवस का कार्यक्रम किस तरीके से मनाया जाए, उसको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मनाया जाए या साक्षात कर्मचारी एकत्रित होकर कोई कार्यक्रम आयोजित करें, धरना प्रदर्शन चूँकि सरकार जगाओ का कार्यक्रम है तो उसके लिए जिलाधीश महोदय को ज्ञापन भी प्रतिनिधि सौंपेंगे तो उसकी क्या संख्या हो, सांकेतिक ये रखें कार्यक्रम या ज़्यादा भीड़भाड़ वाला कार्यक्रम ना रख के सांकेतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, ये आज की बैठक में हमने निर्णय लिया है। विनीत कुमार जैन, जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर।